नमस्कार। कोरोना ने पूरी दुनिया को एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। हर विभाग पर इसका प्रभाव पड़ा। खेल जगत भी इस महामारी से अछूता नहीं रह सका। कई खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गईं और कई प्रतियोगिताओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। हालांकि समय के साथ खेल तो लौटे, लेकिन मैदानों से दर्शकों की उपस्थिति गायब हो गई और खिलाड़ियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। खिलाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए बाय बबल बनाए गए, जिससे खिलाड़ी सुरक्षित रह सकें और प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा सके। ऐसी ही कड़ी सुरक्षा के बीच आईपीएल कराया जा रहा था, लेकिन भारत में बढ़ते कोरोना के मामले रोज बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे करके आईपीएल में कोरोना ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। उसके बाद एक एक करके कई खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आते चले गए। आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। आईपीएल स्थगित होने के इतने दिन बाद जाकर सभी खिलाड़ी अपने घर पहुंच पाए हैं। वहीं डेविड वार्नर ने घर पहुंचकर आईपीएल और भारत में बढ़ते जा रहे कोरोना के मामलों पर बड़ी बात कही। वार्नर का कहना है कि आईपीएल के दौरान भारत में कोरोना संकट के बीच बड़े पैमाने पर अंत्येष्टि की तस्वीरें देखना भयावह था। वार्नर ने घर पहुंचने के बाद कहा, भारत में ऑक्सीजन संकट के दृश्य टीवी पर देखकर सभी को बुरा लगा। लोग अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए सड़कों पर कतार लगाकर खड़े थे। हमने मैदान पर जाते और वहां से लौटते समय ये दृश्य देखा। ये भयावह और परेशान करने वाला था। इसके बाद वार्नर ने बीसीसीआई के आईपीएल रद्द करने के फैसले को लेकर बात करते हुए कहा, मानवता के नजरिए से मुझे लगता है सही फैसला लिया गया था। बबल में संक्रमण आने के बाद ये चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हम जानते हैं भारत में सभी को क्रिकेट प्रिय है। बता दें, डेविड वार्नर के लिए आईपीएल का ये सीजन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा। इस सीजन में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा, जिसके बाद उनसे हैदराबाद की कप्तानी छीन ली गई थी। डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ी आईपीएल बीच में स्थगित होने के बाद मालदीव्स के रास्ते अपने घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी।